जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज़ 40 रुपए अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पास्ता, तो आप हमारे साथ रहें। ये हमने स्पेगेटी ली है, ये टमाटर लिए हैं, ये गाजर ली है, और ये शिमला मिर्च है, और कैबेज है, और ये गाजर है, और नींबू है। ठीक है, तो हम आपको रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो बनाना दिखाते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये अंडे हैं 3 अदद। ठीक है, अब हम आपको पूरा वो ये सॉस वगैरह दिखा रहे हैं। और ये नमक है, ये मिर्चे हैं कुटी हुई, और ये काली मिर्चे हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट है। ठीक है जी, ये हमने पानी को उबाल लिया है, अब इसमें हम स्पेगेटी डालेंगे। तो इसमें हमने पहले ऑयल भी डाला है, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं आपस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग भी पहले ऑयल डाल दीजिएगा। अब हम जब तक हमारी स्पेगेटी रेडी हो रही है, तो हम लोग मसाला बना लेते हैं स्पेगेटी का। तो अब इसमें लहसुन अदरक हम डालते हैं, ठीक है, ये अब इसको हम भूनते हैं। तो इसके बाद बाकी जो सामान वहाँ पे स्पेगेटी रेडी हो रही है, नरम हो जाएगी और पक जाएगी। तो ये हमने टमाटर डाल दी है, ये टमाटर। अब इसके साथ फिर अभी हम और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे होते जाएगा हम ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, ये हमने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और काली मिर्चें डाली हैं। ठीक है, अब ये भी हम मैट करते हैं, इसको हम हिला रहे हैं, ये देखें आराम आराम से। अब ये हम सिरका डाल रहे हैं, इस ये सॉस वगैरह हैं सारे, जो चाइना सॉस होते हैं, ये चाइनीज़ सॉस कहलाते हैं। तो ये आप डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार बनता है। ठीक है, ये चिली सॉस है, ठीक है, ये चिली सॉस डाल लें, 2 चम्मच डालें ये सब। ठीक है जी, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये अब इसमें हमने सॉस वगैरह डालती हैं, अभी इसको हम पकाते रहेंगे, ये पक रहा है 5 मिनट तक, ठीक है ना। अब इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ये हमने ढक के निकाल दिया, ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे, शिमला मिर्च डाल रहे हैं, ये कैबेज डाल रहे हैं, और गाजर। अभी हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ, ठीक है जी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ढककर, ठीक है जी। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। ये ढक के हमने रख दिया अब इसको, ठीक है, 5 मिनट के लिए। अब ये अंडा है, तो 1 अदद अंडा हमने लिया है ऐसी, ठीक है ना। तो ये हम जो स्पेगेटी बॉयल हो रही है ना, उसके अंदर हम आराम आराम से डालते जाएंगे, क्योंकि ये अलग सा शेप आ जाएगा, बहुत अच्छा शेप आएगा, जायका आता है, बहुत अच्छा जायका आता है इसके अंदर ना। ठीक है जी, ये हमारा अब मसाला भी रेडी हो चुका है, और ये स्पेगेटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हम ये अपने मसाले को अब ऐड करेंगे स्पेगेटी के अंदर, ठीक है। तो हमारे अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई अच्छे अच्छे खाने मिलें, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी, ठीक। और कमेंट भी करें, हमें बताएं कि हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, जो आपको बनाना है वो हम बनाएंगे फिर, ठीक है। ये हम मसाला ऐड कर रहे हैं अब, ठीक है जी, ये मसाला ऐड हो रहा है। अब इसकी शक्ल देखिएगा, अब माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम रौनक वाली शक्ल हो जाएगी, खूबसूरत, और जायका तो ऐसा आता है खाने में, देखें माशाल्लाह, देखा। ये रेडी हो चुका है, अब मैं अपने वालिद वालदा के लिए ये नीचे लेके जाऊंगा, उनको टेस्ट करवाऊंगा और पूछूंगा कैसा बना कैसे नहीं बने, वो बताएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अम्मी अब्बू के पास इसको लेकर, ठीक है। तो हम आपको अपनी अम्मी अब्बू को देने के लिए नीचे जा रहा हूँ, अपनी अम्मी अब्बू को देने के लिए। ओके, हमारे